देखिए दोस्तों, ये क्या आइटम है जो चल रहा है। ये राइड स्टार्ट हो गई है, जहाँ से उतर के अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ हम लोग हाज़िर हैं। मैं, मेरा दोस्त वकार। तो काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ पे, जब 1 नवंबर से बहरिया एडवेंचर लैंड की जब से लॉन्चिंग हुई थी, हमें पता चल रहा था यहाँ के टिकट पे 4,000 रुपये है। तो हम लोगों को बड़ा तजस्सुस हुआ कि हम लोग यहाँ पे आके देखें और यहाँ पे एक वीडियो बनाएं तो देखें कि यहाँ की टिकट कितने की है, अंदर ऐसा क्या है कि टिकट इतनी महंगी थी। अब सुना है कि टिकट 2,000 रुपये की हो गई है। तो यही सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में कवर करनी है। तो आज अपने इस ईट एंड डिस्कवर के इस वीडियो के लिए आप हमारे साथ चलिए और आपको यहाँ की आज सैर करवाते हैं। आइए मेरे साथ। 4,000 रुपये की दो टिकट निकाल के भेजो। ये है यहाँ का गाइड। निकाल आप लोग आओ ना प्लीज। घर में कहाँ घूमते जा रहे हो जी दोस्तों? ये देखिए, ये देखिए। और एक चीज़ आपको और बतानी है भाई, ये जो टिकट के पैसे कम हुए ना, पहले 4,000 थे, 2,000 रुपये भाई, ये सिर्फ नवंबर के लिए, दिसंबर में फिर से टिकट 4,000 रुपये की हो जाएगी। तो जिसने आना है वो जल्दी अभी आके देख ले भाई। चलो भाई, फिर आपको आज यहाँ की सैर करवाते हैं, लेकिन फिर मैं दोबारा रिमाइंड करा दूँ, टिकट 2,000 की है सिर्फ नवंबर एंड तक, फिर से ये 4,000 की हो जाएगी दिसंबर में, मैंने अभी कंफर्म किया है। आपको बताएंगे कि अंदर का माहौल कैसा है, अंदर झूले किस किस्म के हैं जो फ्री में मिलेंगे हमें इस टिकट के बाद। लेकिन खाना फ्री में नहीं मिलेगा, खाना आपको पैसे से खरीदना पड़ेगा। हाँ, खाने के पैसे आपने पे करने हैं। ये जो आपने पे कर रहे हैं 2,000 रुपये फिलहाल, ये सिर्फ राइड के लिए हैं। ओके, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि 2,000 रुपये जो हमने भरे हैं वो वाकई वसूल होंगे या नहीं होंगे। इससे यकीनन आपको रहनुमाई मिलेगी, जो जो इस वीडियो को देखेगा उसे रहनुमाई मिलेगी कि वो यहाँ पर आके किस किस्म की तफरीक कर सकता है,
तो चलें आपको दिखाते हैं कि कैसा है अंदर। चलें चलें। दोस्तों ये भी इसका एक पार्ट है, डाइनो लैंड। आया आपको दिखाते हैं, वो देखिए ट्रेन खड़ी है, वेट कर रही है हमारा। अभी हम लोग बैठे थे ट्रेन के अंदर यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग आके हमने ट्रेन में चढ़ गए। ये मेरे पीछे ट्रेन है, वो नज़र आएगी आपको, वो रही वो ट्रेन है। ये आपको समझ लें, ये पूरा एक बहरिया टाउन का एक पूरा तो नहीं, एक चक्कर आपको देती है, जिसमें आप इसके डिफरेंट स्टेशन बने हुए हैं। लेकिन चलती बहुत स्लो है बॉस, इतनी स्लो चलती है कि आप उतर के आकर तो स्लो वॉक भी करें ना तो इससे तेज़ चलेंगे आप। तो हम लोग अभी ये इंडस स्टेशन पर रुकी थी आके, तो हम लोग यहाँ उतर के अब बाकी राइड लेने के लिए हम लोग आगे वॉक करके जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है वाटर गन जो कि यहाँ से चलाई जाती है। चलाना जरा वक्त, पावर जी वकार साहब, मजा आया आपको? मुझे नहीं, आपको मजा आया तो बता नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये क्या आइटम है जो चल रहा है। हम लोग इसमें बैठने की हिम्मत अभी बना रहे हैं, बन नहीं रही। वैसे एक चीज़ आपको क्योंकि डर से आगे जीत है। आओ बाबर, आओ। मैं ये सोच रहा हूँ, बहुत मजा आया, हम तो राइड से उतर के आ गए। चल चल दो यार भी कर चल। अबे यार बासु, अभी वो बच्चे फिर जा रहे हैं, बच्चों को जाने दे। अरे बाबर, हाँ डांस डांस करो करो करो, रुक चुके। ओके ओके, हाँ तो वकार साहब मेरे ख्याल में पहले हम चल के दूसरी राइड लेते हैं। मेरा ख्याल ये है कि पहले हमें इसमें बैठना चाहिए। नहीं, मेरा मेरा इसके बाद हमें जो करना है उसके बाद करना चाहिए। मेरा ख्याल में पहले हमें थोड़ी हिम्मत बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं बन रही। अच्छा ये देखिएगा यहाँ पे, अच्छा ये देखिएगा, ये प्रॉपर यहाँ पे वॉशरूम्स का, लेडीज और जेंट्स का दोनों का प्रॉपर इंतजाम है, और आई होप कि बहुत अच्छा ही होगा। अली कैसा लगा आपको इस ट्रिप में? मुझे बहुत मजा आया, मजा आया। कौन सा राइड ली?
सारी राइड नहीं, सबसे अच्छी कौन सी लगी? सबसे अच्छी वो वाली लगी, वो वाली। सबसे अच्छी वो वाली लगी? हाँ। वो वाली अब मुझे अच्छी नहीं लगी। और अभी अच्छा, तो अभी जा रहे हो, घर जा रहे हो? एंजॉय किया? चलो जाओ, नहीं बताऊंगा, चलो जाओ, बाय बाय। तो दोस्तों मैं अभी इस राइड को लेके उतरा हूँ और थोड़े से चक्कर भी आ रहे हैं, मज़ा भी आया चक्कर भी आया, लेकिन एक खान साहब ने ज़रा मज़ा ख़राब कर दिया और वकार भी हिम्मत करके बैठ गया था। हाँ बैठ गया था, बिल्कुल मज़ा भी आया और लोगों की चीखों की आवाज़ें भी आ रही थी और इन्जॉय भी कर रहे थे, लेकिन एक साहब बेहोश होने वाले थे, वो ये रहे हमारे पीछे। दोस्तों ये हमारे दोस्त, अभी हमें यहीं पे बहरिया टाउन में हमारी इनसे मुलाकात हुई है लैंड थीम पार्क में। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शौकत अली। शौकत अली, शौकत भाई कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, जिला बिहारी, 90WB गाँव में मेरा। अच्छा, तो यहाँ पे आप स्पेशली ये इस थीम पार्क को एंजॉय करने आए हैं? हाँ, मैं इधर दोस्त को मिलने के लिए आया था कराची में। अच्छा, बताया कि ये बैरियर टाउन में बहुत खूबसूरत, बहुत मॉल अच्छा है और आप एंजॉय करेंगे हमारे साथ, तो मैं उसके साथ आया। तो वाकई ही जो मैं सुना था वही है, यहाँ वही है, बहुत खूबसूरत है यार। मज़ा आया आपको? मज़ा आ गया। बस आप लाहौर भी गए होंगे? लाहौर भी गए हूँ, सब जगह गया हूँ, दुबई गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, बैजन कतर गया हूँ, बहरीन गया हूँ, मकसद गया हूँ, मैं जॉर्डन गया हूँ और अभी सिंगापुर से आया हूँ, महीना हो गया। बरन मुझे वहाँ पे इतनी एंजॉय नहीं मिली जो हमारे खुद पाकिस्तान में मिली है। अच्छा, मानो तो हमने तो पहली दफा देखा है बैरियर टाउन में, बहुत खूबसूरत है भाई, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको, आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि यहाँ पर आए और एंजॉय करें? लोग आए, अपना पाकिस्तान देखें, मैं शौक से कह रहा हूँ, लोग एक दफा देखो तो सही, यहाँ सब कुछ है भाई जान। अच्छा, सब कुछ मिलेगा देखने को और झूलने को, ये देखें आपके सामने सब कुछ। तो आपने अभी कोई राइड वगैरह ली कोई? हाँ मैंने ली है, मुझे मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, आप भी हमारे साथ थे, सब मज़ा आया यार, आप लोगों से मिलकर और मुलाकात कर आप लोगों के ये नस्बत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और यहाँ सब लोग ही अच्छे हैं। तो टिकट कितने की मिली आपको? टिकट नहीं है सिर्फ भाई जान, 2000 एंट्री का है, एंट्री लो और मज़ा ही मज़े उड़ाओ, बस मज़े उड़ाओ है जी। तो आप मतलब ये है कि लोगों को, लाहौर वाले लोगों को, इस्लामाबाद के लोगों को, इस्लामाबाद वाले, मुल्तान वाले, जहाँ के, पूरे पाकिस्तान के जहाँ के लोग हैं, बैरियर टाउन जाए, जहाँ भी करीब है, जेद बैरियर टाउन कराची बहुत अच्छा है माशाल्लाह, देखने को जी चाहता है, इतना खूबसूरत है यार, इसकी तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है भाई जान। बहुत शुक्रिया शौकत भाई आपका, आपने हमें टाइम दिया अपना। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग दिल से ये कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान का नाम बना रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारा इस काम में साथ है और सब हम लोग मिलकर ये कहेंगे कि हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आए वकार साहब, अब हम इसमें बैठेंगे, इसमें आइए आप मेरे साथ। बहरिया एडवेंचर लैंड में हूँ, थीम पार्क जा रहा हूँ ऊपर ये राइड लेने के लिए। अभी लेके बता, जी वकार साहब जी, तो हम कुछ कहना चाह रहे हैं, बहरिया टाउन एडवेंचर लैंड के सबसे बड़े झूले में आके बैठ गए और अभी आपको ऊपर से पूरे दिखाएंगे, पूरे बहरिया टाउन का, बोलो सबसे कराची भी नजर आया साइड, बाकी ऊपर जाते हैं तो दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैं इस राइड में बैठ गया हूँ, अब उसका नाम क्या है यार, लेकिन ये है कि ये अभी हमें ले कि अभी मैं आपको हाइट दिखा सकूँ अगर, क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ जाए जा रहे हैं, बस जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। वैसे मुझे हाइट से लगता है, मुझे हाइट से डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी बैठ गया हूँ उसको और आपको।
इस राइड पे से होके आ गए हम, तो मुझे वैसे ऊपर जाके डर लगा कि हम यहाँ पहुँच गए ना हम लोग इधर, फिर मुझे डर लगा, मज़ा आया लेकिन डर भी लगा मुझे। इतना रश है नहीं आता कि आज सैटरडे है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टिकट का महंगा होना, और जो लोगों में एक बात फैल गई है कि टिकट 4000 रुपये की हो गई है, लेकिन अभी आज क्या डेट है, 9 नवंबर, तो आज की डेट में हमें 2000 रुपये की टिकट मिली है इसकी, लेकिन सुना है कि नेक्स्ट दिसंबर से ये दोबारा से 4000 की हो जाएगी। तो अब हो गया है खाने का टाइम, अब हम बैठ गए हैं क्रिस्पी टू जी हैं बैठे हैं। मेन्यू पे देखा था 750 के 4 बर्गर, लेकिन जब यहाँ पे आके ऑर्डर दिया तो 1100 रुपये लग गए। खाना आ चुका है, वकार, क्या वकार लाए आप हमारे लिए आज? हाँ, ये दो बर्गर हैं, इसमें एक है मेरे पास चिपोटले बर्गर, जो इनका तो ये बर्गर के टू जी का बर्गर के दर्शन तो करा दें। वाओ, हम बैठ गए हैं इस राइड पे। अब वो कह रहे हैं कि दौराने राइड जो है मोबाइल यूज़ करना मना है, तो हम अब मोबाइल बंद कर रहे हैं और ये राइड देख लीजिए आप, इस पे हम बैठ रहे हैं, तो चलने लगी है, फिर आपको हम मैं उतरने के बाद बताता हूँ क्या सीन है आपके यहाँ। आओ मेरे नाल, अब हम आ गए हैं डॉजिंग कार, वो देखिए मेरे पीछे डॉजिंग कार, भी अपने नंबर का वेट कर रहे हैं, नंबर आएगा तो भी जाएंगे। जी दोस्तों, हम लोग यहाँ पे तकरीबन
साढ़े आठ बजे आ गए थे और अब तकरीबन 12 बजने वाले हैं। हमने तकरीबन 3-3.5 घंटे यहाँ पे हमने इंजॉय किया है, घूमे हैं काफ़ी, जितना हमसे हो सकता था हम घूमे हैं यहाँ पे, आगे पीछे सब देखे, हमने राइड्स ली हैं। कुछ राइड्स हमें थोड़ी ख़तरनाक लगी तो वो मैंने नहीं ली और वकार ने भी अपना इरादा बदल दिया वो राइड लेने के लिए। बाकी मेरे नज़दीक बहुत अच्छी जगह है, ऐसी इस नौयत की और इस स्टैंडर्ड की जगह कराची में अभी, कराची में तो क्या मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है अभी तक। आप अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, दुबई वगैरह जाते हैं, तो हो सकता है आपको वहाँ पे ऐसी राइड मिल जाए, लेकिन जो सफाई, जो इंतज़ाम और जो राइड्स की क्वालिटी है यहाँ पे, जो मेंटेनेंस है उसकी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं मुझे लगे कि दो, जो पहले 4,000 रुपये थे, सुना है कि दिसंबर में जाके फिर से वो 4,000 लेंगे, अभी 2,000 रुपये में चार्ज किए हैं लोगों ने। बाकी वकार आपका क्या कहना है यहाँ के बारे में? मेरा भी यही कहना है कि भाई 2,000 रुपये फीस तो है, लेकिन अंदर आलमी मैार की आपको सहूलतें दी जा रही हैं। इसमें झूलों का मैार बहुत ही अच्छा है, कुछ झूले सादे भी हैं बच्चों के लिए अच्छे हैं, कुछ ऐसे ख़तरनाक झूले हैं जिसमें बड़ा भी बैठने से डरेगा, यकीनन डरेगा, क्योंकि हम भी कुछ झूले ऐसे हैं जिसमें बैठ के खौफज़दा हो गए, और कुछ झूले ऐसे हैं जिन्हें देख कर हम उसमें बैठे ही नहीं। तो 2,000 रुपये खर्च करके फिर वहाँ यहाँ वो आए जो झूले झूलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे झूले फ्री हैं बिल्कुल, और अगर आप इतने झूले झूलेंगे तो यकीन आपके पैसे वसूल होंगे। लेकिन कुछ झूले ऐसे हैं जिसमें बच्चों को नहीं बिठा सकते, तो बच्चों को लाने से अवॉइड करें और आप खुद यहाँ आएँ बड़े हैं, ताकि एटलीस्ट जो पैसे दें वो पूरे हो जाएँ और खूब इंजॉय करें, बहुत ज़बरदस्त जगह। अच्छा, 2,000 के अंदर ये बता दें आपको कि 2,000 के अंदर यहाँ पर खाना पीना नहीं है, 2,000 में सिर्फ राइड्स हैं, वो भी आप एक राइड अनलिमिटेड बार जितनी दफ़ा भी लेना चाहें वो आप एक राइड ले सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई तो रोक टोक नहीं है। बाकी खाना पीना आपको अपनी जेब से अलग से करना है, जो भी रेस्टोरेंट यहाँ पे हैं, और कुछ टाइम इसको भी 2-3 महीने लगेंगे फुली फंक्शनल होने में, लेकिन ये कि ज़रूर यहाँ पर आएँ, इसको एक्सपीरियंस करें, ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। बाकी हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस तरह की ताकि मज़ीद वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। और अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।